अभी मनु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। भाई जैसा कि रोज कमेंट आया कर दे कि भाई आपके गांव का ओल्ड इज गोल्ड स्टार कबड्डी खिलाड़ी स्टार रेडर शमशेर मलिक मोखरा का भी इंटरव्यू करो, तो आज पहलवान जी से मिलने का मौका मिला है। अखाड़े में आ रहे थे, आड़े पहलवान जी भी आ रहे हैं और इंटरनेशनल पहलवान है, विदेश के टूर हैं पहलवान जी के। अनिल पहलवान जी हमारे गांव थे, आज दोनों मिले हैं, तो इनसे भी मिलकर जो भी इनके जीवन की बातें हैं शमशेर पहलवान जी के बारे में, अनिल पहलवान जी के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो पहलवान जी सबसे पहले तो राम राम। राम राम। पहलवान जी स्वस्थ हो ना? हाँ बिल्कुल स्वस्थ। पहलवान जी एक राम राम ठोक दो जो देखेंगे उन्हें भी सभी अभी मनु मूवी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। पहलवान जी ठोको राम राम। अभी मनु मूवी देखने वाले सभी दर्शकों ने मेरी तरफ से राम राम। पहलवान जी सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कितने पढ़े लिखे हो? मैं मैट्रिक पास हूँ। अच्छा पहलवान जी जॉब? जॉब हरियाणा पुलिस में। पहलवान जी ये जॉब किस बेस पे मिली आपने? जैसे भाई जो प्रोसीजर हो वो क्लियर करे या गेम की वजह से? ना ये आम रूटीन की जनरल भर्ती में 1985 में मैं सिपाही भर्ती हुआ यार जी। तो अब पहलवान जी इंस्पेक्टर हो? अब सब इंस्पेक्टर हो। तो पहलवान जी हाइट कितनी है आपकी? हाइट 5'10". और पहलवान जी जब सही तारे थे मतलब टॉप का गेम था उस टाइम पर कितना वेट था? 85 किलो। तो पहलवान जी कोच कौन रहे आपके, गुरु किसको मानते हो? मेरा ये सौभाग्य नहीं बन पाया, मैंने कोई गुरु नहीं बनाया, मेरा ऐसा सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ कि मैं किसी को गुरु बनाता। पहलवान जी कबड्डी के गुरु किसने सिखाए? कबड्डी के गुरु सिखाए जो गांव के पुराने प्लेयर थे उनसे सीखे, फिर ज़्यादा हमारे को सिखाया अपने गांव के सुकन ने जी। तो दादा सुकन से भी आपने कबड्डी सीखी है? हाँ दादा सुकन का बहुत योगदान रहा हमारे को सिखाने में। पहलवान जी लगभग कौन से सन में आप कबड्डी खेलने लगे, कारण कह रहे हैं कि आप कबड्डी में आए? अपना गांव वैसे कबड्डी का हब रहा है, कुश्ती का तो और भी ज़्यादा, तो मैंने सुना है पहले आप कुश्ती कराया करते? मुझे कुश्ती का शौक़ था, मेरे घर वाले भी ये चाहते थे कि मैं कुश्ती करूं, तो कुश्ती का शौक़ था, मैंने शुरुआत भी कुश्ती से करी थी, लेकिन जो अपने गाँव के पहलवान है वो उसके साथ साथ कबड्डी भी खेलते थे, इसलिए मैंने फिर कबड्डी खेलना शुरू कर दिया, फिर पुलिस में भर्ती हो गया, वहाँ फिर कबड्डी खेलनी शुरू कर दी। तो हरियाणा पुलिस की तरफ से भी कबड्डी खेल ली आपने? हाँ हरियाणा पुलिस की तरफ से नेशनल कबड्डी होती थी उस टाइम, अब भी है नेशनल कबड्डी खेल ली, जिसमें एक बार गोल्ड मेडल भी आया, एक बार सिल्वर मेडल भी आया। अच्छा पहलवान जी जब आप खेलना शुरू कराया तो गाँव की टीम का क्या रुख था उस टाइम पर, गाँव की टीम थी नहीं थी, थी तो किसी थी? गाँव की उससे पहले बहुत अच्छी टीम हुई, अपने आस पास ऐसी टीम नहीं थी। खड्डर पहलवान और थे उस टाइम का जिक्रा करो आप। हाँ धर्मवीर था, खड्डर था, जयदेव था, जो हमने सुना कपूर था, बहुत अच्छी टीम हुई, लेकिन जिस टाइम मैंने शुरुआत करी उस टाइम जो पुराने थे वो कुछ छोड़ गए थे, कुछ जयदेव के साथ मैं एक दो मैच खेला। जयदेव पहलवान जी का जैसे आपने जिक्रा कराया भाई मोखरा की शान रहे हैं, वो टॉप के रेड रहे हैं, पहलवान जी की क्वालिटी थी उनमें जो उनका नाम आज भी, क्योंकि उस टाइम पर तो कोई सोशल मीडिया भी नहीं था, टीवी किसी को आया करते, तो उस दौर के खिलाड़ी का आज भी अगर गांव में जिक्रा हो तो पहलवान जी थोड़ा सा उसका जिक्रा होना चाहिए। देखो मैंने जो सुना है जयदेव पहलवान उस टाइम जो अपना धर्मवीर खड्डर और ये ओम था, ये बहुत अच्छी टीम हुई उसमें, एक बहुत अच्छा खिलाड़ी था, और जयदे का इन जो पुराने प्लेयर थे इनके साथ तो मेरा सौभाग्य नहीं मिला मुझे खेलने का, लेकिन जयदे के साथ मुझे मेरी शुरुआत थी और जयदे का आखिरी एक दो मैच था मैं खेला उसके साथ। अच्छा पहलवान जी फिर आपने मान ले वो पुरानी टीम थी वो फिर नई टीम उठाई, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ कौन कौन आपके साथी थे और खिलाड़ी थे जैसे थोड़ा सा? नई टीम में आ गया था एक तो वीरेंद्र अपने गांव का था, बाद में फिर मिलिट्री में भर्ती हो गया, हवा सिंह था, ये अपना बोली पहलवान था, फिर जो ये पहलवान थे अपने नए नए बीच में ये भी आ गए थे, मां सिंह था, कई अच्छे लड़के जुड़ गए थे, फिर शुरुआत हो गई थी।
फिर एक मतलब दो रहा चल गया भाई कबड्डी की भी टीम बाहर खेलने जान लग गई। तो पहला जी पहला मैच याद है भाई कबड्डी का आप बाहर कित खेलने गए थे? पहला मैच इतना तो ध्यान नहीं कहाँ खेलने गए थे, लेकिन मेरा पहला मैच जो मेरा ध्यान है वो बराड़ खेड़े के साथ अपने गांव में था। पलन जी क्योंकि बराड़ खेड़े की जो टीम हुई है वो अपना टीम की उसका हरियाणा की रुक की टीम हुई है, टॉप के हरियाणा पंजाब के टॉप के मैच लगा रहे थे बराड़ी पहलवान रामदेव पहलवान रहते पहलवान जी उन जगरा करो। हाँ उन्हीं का उस टाइम हरियाणा में बराड़ खेड़े की बहुत अच्छी ये तो मैं क्या कह सकूँ कि भाई सबसे अच्छी थी, लेकिन जो टॉप की टीम थी उनमें शामिल थी बराड़ खेड़े की टीम। गाँव में उनका जो मैच हुआ पहलवान जी उसमें के रिजल्ट रहा था? अपने गांव की टीम हार गई थी तो उसमें आपने रेड करी थी? हाँ मैंने रेड करी थी, लेकिन मेरे ध्यान है मैं नया रेडर था, मेरी कोई कैच नहीं हुई जो भी मेरे रेड भट्टा आई थी उसमें। तो पहलवान जी आपने मतलब आप रेडर ही क्यों बने, आपने रेड क्यों चुनी? बस रेडर तो था नहीं उस टाइम, सबसे ज़रूरी तो ये थी कि भाई गांव की टीम अगर तैयार हो खेलें तो रेडर कोई नहीं था, इसलिए मैं रेड करता था। कैचर एक दो थे अच्छे थे, आवासिंग भी अच्छा था, वीरेंद्र भी ठीक हो गया था, एक दो कैचर तो और भी आ जाते थे, लेकिन बगैर रेड के अगर मैं रेडर था तो जो ये अपने पहलवान थे बोली पहलवान थे अपना बंदा पहलवान था ये और भी साथ जुड़ जाते थे, मां सिंह था वो भी ठीक रेड कर लेता मेरे साथ। तो अपनी टीम उस टाइम पे मोखरे की टीम का के रुतबा हो गया था भाई, कितना नाम हो गया था मोखरे की टीम किसे मैच लगा कर दी दूसरी टीम के साथ? देखो उस टाइम ज़्यादा जोर था एक पंचायत की टीम का, ये जो एक प्लेयर दो प्लेयर की छूट नहीं थी, ये बाद में आए, बाद में आए या फिर ओपन होता था कोई कहीं की टीम में कोई खेलो वो था। एक पंचायत की टीम में अपनी गांव की टीम उस टाइम अच्छी टीमों में आ गई थी, अगर किसी से हारे तो एक दो पॉइंटों से, वरना जितनी भी अच्छी टीम थी हमने एक पंचायत में सबके साथ अच्छे मैच लगाए। बोलो जी कट की टक्कर मारी किस गल्ला हुआ करती लगभग भाई कितने जानते हैं तो वो टीम पागर दिन नू हारदा ही उस गल्ला मैच आऊगा भारत पाकिस्तान जैसी लड़ाई। जैसे ज़्यादा यहाँ अपने आसपास से 21 की टीम के साथ बहुत मैच हुए, रिटोली के साथ हुए, कबलाने के साथ हुए, बड़ेसरे के साथ भी बाद में हुए, इनके साथ खटकड़ के साथ मैच हुए, जाट कॉलेज की टीम भी अच्छी थी उस टाइम उसके साथ भी मैच हुए, बाकी तो जो और जो आसपास की जो टीमें थी मैच तो टूर्नामेंटों में सब में होते रहते थे। जैसे खटखड़ का जो अपने जकरा कराया उस टाइम में पहलवान जी ये जुगड़ खटखड़ जो आया करते ईश्वर ये थे पहलवान जी जुगड़ कुलदीप पर कल्लू कलिया और लीला खटखड़। हाँ लीला और जुगड़ ये दोनों थे, औरों को तो मेरा ध्यान नहीं कौन कौन थे, लेकिन लीला और जुगड़ दोनों थे जिस टाइम हमारा मैच हुआ। आपकी लीला के साथ कदे फाइट हुई हमने सामने रेड कर लीला भी रेडर था नहीं, नहीं, जुगड़ के साथ सॉरी हाँ जुगड़ के साथ हुई बहु मैच था, उनकी भी बढ़िया टीम थी और हमारी भी बढ़िया टीम थी। हाँ जी पहलवान जी वो जो बहु मैच होया उसके बारे में थोड़ी सी बताओ। बहु मैच होया उसमें दोनों वो टीम भी अच्छी खेल रही थी हम भी बहुत अच्छे खेल रहे थे, बीच में फिर एक अपने बोली पहलवान की रेड थी उस पर झगड़ा हो गया था, वो अपने बोली पहलवान बताओगा भाई। कई बार कमेंट आए कि भाई बोली पहलवान जी होगा भी इंटरव्यू लोग मोखरा गांव के स्टार तो पहलवान रहे हैं अपने टीम के और स्टार ही कबड्डी खिलाड़ी रहे, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हुए हैं बोली पहलवान मोखरा और आज भी गांव में अखाड़ा चलाते हैं, गांव में शिव शंकर अखाड़ा जहाँ हमारिया पहलवान जी गुरु जी हैं उसमें प्रैक्टिस करवाते हैं। तो आज आपकी मुलाकात साथ के साथ बोली पहलवान जी से भी पहलवान जी ठोक दो भी राम राम। राम राम सब भाई ने पहलवान जी बताओ वो उसके साथ दो थोड़ा सा बहु वाला वो आप वाली रेड पर रोला हुआ वो किसा मैच चल रहा है? शुरू से कहेंगे पहले भगवान की दया ने शमशेर जी का लड़का गुजर गया था, को भी ना दो भी ना 20 दिन हुए होंगे, लड़का जो जेठा लड़का था गुजर गया था, मर बिल्लू बहुत ही जगताने ले गए थे नाटे ने शमशेर अपने जान दे बहू
फिर ले गया हम डगर के हमारे साथ, मैं और शमशेर खड़ू तीनों रेड करेंगे, बिल्लू रघु राजा एक और कौन सा था बिरंदर, ये मलका चढ़ दे तो जगड़ ने उनका चढ़ा बहुत बढ़िया खटखट टीम में। जगड़ ने शमशेर का यहाँ काची मारी इस पतागड़ी बबंदे इस पर, तो मन न दो आज थी मैं तो यह कहूँ गल से भी जो करो हजे अगर ऐसा मैं जीवानी भी नहीं देखा जे मारे डाल दे दे कुछ के में नू लाग ज्यादा भाई साल दो साल में ले छोड़ देंगे जब था वो मैं अगर जीवानी भी नहीं उसने वहाँ से यहाँ कच्ची मारी थी जहाँ था और गल दनुगे उठा लिया थे जगह नुगा नु पाला बदल दिया शमशेर ने ऐसी रेल मारी थी शमशेर ने। तो जी वो रोला क्यों बनया उस दिन? रोला उन्हों बने एक पॉइंट फालतू था हमारा और फिर मैं रेड मान गया था कच बिल्लू ने मार दी थी उसके लीलग एक हो गया था फालतू, दूसरा मैं रेड गालन गया था रेड मैंने जगड़ का हाथ ला दिया था कॉर्नर पे और मुड़ के चल लिया जो दूसरा कॉर्नर आ रहा मेरा तो गल ने काची मार दी। धर्मवीर पहलवान दे अपने वह एक प्रधान था नथू का एक जय भगवान था खाजियांग उनका जोश नहीं रोकया उन तीनों रफरी का उठ के गलत पॉइंट दे दिया हमारे खिलाफ उन तीनों पहलवान जी ने भी प्रधान ने भी जय भगवान ने भी उन रफरी का मार दिया। फिर हम उड़ा रोला मैच गया ज़्यादा हमारे घोषित कर दिए वह जिता दी। फिर अगले दिन फाइनल मैच होया बड़े सरगर खटखड़ का मैं दादा सौकन और बिल्लू दोनों देख तीन दो तीनों देख लगे गई दादा सौकन मैं कहते फिर मारा है बोले नहीं तो पलड़ा जन था बहु उसका के नाम है खट उसका बडेसरा मस्त था उड़ा बहनी डीसी का उसमें देख रेख में या अपने कबलाने घर फिर वो पलड़ा जन आए नहीं दूसरे दिन आया मैं दे फाइनल मैच हुआ खटखड़गार बडेसरा का बडेसरे की टीम खटखड़ ना आई 12 नंबर माजे दे मेर बिल्लू सौकन दादा खटखड़ जीती थी उड़ा खटखड़ जीती 12 नंबर और हम खटखड़ दे जब हरियाणा में एक नंबर की टीम जो खटखड़ की थी हम दो नंबर आगे हो गई थी मोखरा ही टीम खटखड़ दे रोला होया जी। तो शमशेर पहलवान जी जैसे भाई हर गेम में हर फील्ड में किसी ना किसी का कोई ना कोई बेस्ट भाई मैं फलाने जैसा बोलूँ आज लोग सोचते होंगे भाई हम शमशेर पहलवान जी डाल रेड मारा तो आपका भी कोई बेस्ट खिलाड़ी था उस टाइम पर आपको भी किसी का रेड पसंद थी? मेरे को रेड पसंद थी अपने ब्राड खेड़े की टीम में होता था एक मेरा नाम तो ध्यान नहीं थोड़ा नीचे कद का था बहुत बढ़िया रेड जो इशारा हाथ का कुछ हाँ हाँ दलबीर दल्ला नाम मुझे दलबीर दल्ला था वो हाँ ध्यान नहीं वो बहुत बढ़िया रेडर था मेरी पसंद का भी था हंसमुख था कभी ना तो चोट मारने की कोशिश करी और ना परमात्मा ने उसका कभी चोट मैंने देखा भी लगी हो। अरे बोला जी बेस्ट स्टॉपर कोई बेस्ट कैचर भी था कोई जिसकी कैच भी बहुत पसंद थी? बेस्ट कैचर थे एक अकेला था उस टाइम वो काला था बेरी का काला बेरी काला बड़ा अच्छा कैचर था लेकिन वो टीम में अकेला था इसलिए बेचारा ज़्यादा वो नहीं हो पाया। और एक था सुदेश फरीदाबाद का वो भी बहुत बढ़िया कैचर था। बोलो जी हरियाणा पंजाब के मैच भी खेले अपना पंजाब के साथ एक बार फरीदाबाद मैं एसआर की टीम में खेल रहा था सतीश एचयू की टीम हुआ कर दी सतीश सर की उस टाइम एक बार मौका मिला पंजाब के साथ खेलने का। पलन जी गांव की टीम में आपने किस कैचर पर बहुत ज़्यादा भरोसा रहा था भाई मान लो शमशेर की कैच लग भी गई तो मारी कैच पुगा देगा? सबसे ज़्यादा भरोसा था वीरेंद्र पर फिर अपने ये भी आ गया था जोगेंद्र पहलवान भी हाँ बाद में ये भी आ गया था फिर इस पर भी भरोसा था कि वो जानदार है ये भी कैच बना लेता तो मार दिया था पहलवान हाँ। अच्छा पहलवान जी एक अच्छे कबड्डी प्लेयर में
आज भी अगर कोई इंटरव्यू में सुना है तो उसमें क्या गुण होने चाहिए एक अच्छे कबड्डी प्लेयर में? देखो, एक अच्छे कबड्डी प्लेयर में एक तो ये ना सोचे चाहे कितना भी कमज़ोर प्लेयर है, देखो हल्के वेट के भी आवे हैं, कमज़ोर भी आवे हैं, बराबर के भी आवे, तगड़े के भी, किसी को ये ना सोचे भाई मैं इसको चोट मारूं, प्यार से खेलो अपने शौक के लिए। और जो ये सोचेगा कि मैं किसी का चोट ना मारूं तो परमात्मा मेरा अपना अनुभव रहा उसके भी चोट नहीं लगती। बोलन जी, आपने अपने जीवन में जब तक आप खेले तो ये चीज़ें आपने रखी? हाँ, मैंने खूब रखी। मैंने कभी किसी को रंजसन कभी भी किसी के साथ मैच नहीं खेला, बड़े प्यार से मेरे भी परमात्मा दास से कोई चोट नहीं लगी। बोलो जी, ऐसा कोई स्टॉपर कोई कैचर आपका जीवन में आपको याद जिसने शमशेर मोखरा को शमशेर मलिक को परेशान कराया कैच मारे? देखो, आज भी और उस टाइम भी ऐसा तो कोई शायद रेडर भी नहीं होगा जिसका भी आज तक कैच नहीं लगी। कैच लग जाती है, बिल्कुल कैच, सोबा एक रेड मारेगा तो कैच लगेगी। हाँ, मैच में एक दो कैच लग जाती है, लेकिन ऐसा उस टाइम में मेरे टाइम में कोई ये नहीं आया कि भाई जी जो मेरी ज़्यादा ही कैच मार दे। स्वाभाविक था, एक दो कैच अगर लगी तो लगी, लेकिन किसी से ये डर नहीं था कि भाई वो टीम आ गई रो कैच मार देगी या वो कैचर नहीं चलने देगा, ऐसा नहीं था। मतलब ताबड़तोड़ कैच वाली बात नहीं थी? हाँ, नहीं थी। बोलन जी, आज कबड्डी देखो? हाँ, देखता हूँ। तो आप वाली कबड्डी में और उस टाइम वाली कबड्डी में बोलन जी कितना डिफरेंट ही आपने लग गया? आपके टाइम पर क्या ये 30 सेकंड वाला सिस्टम था? हाँ, 30 सेकंड वाला शुरू से था, लेकिन उस टाइम ज़्यादा मैच होते थे 20-5-20 के टाइम था, वो बड़ा लंबा था 20-5-20, और टाइम भी जैसे 2 दिन तो पक्का होते थे, टूर्नामेंट का 3 दिन का टाइम था, प्लेयर को टाइम भी मिल जाता था, लेकिन जो मैच होता था पूरा लंबा, पब्लिक संतुष्ट हो। आज के रूस में ये अच्छी बात है, मैं सौभाग्य मानता हूँ जो आज प्लेयर खेल रहे हैं। पहले कबड्डी अपने शौक के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपने गांव की इज्जत के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपने स्टेट के लिए, इस नाम के लिए खेलते थे। आज मैं सौभाग्य मानता हूँ जो आज के प्लेयर हैं कि इसमें कबड्डी में पैसा भी आ गया, जो बड़ी अच्छी बात है, नाम शोहरत भी आ गई, और नाम और शोहरत भी आ गई। जो ये आपके मूवीज हैं इनमें बड़ा अच्छा, पहले तो हमारे टाइम में तो हम ये भी नहीं देख सके थे कि भी तेरी मैच में कहाँ कमी हुई, तेरी गलती कैसे हुई, तेरी कैच बनी तो कैसे बनी, लेकिन आज बड़ी अच्छी बात है, वो परमात्मा ऐसा है और बढ़ता है। तो पलवन जी, आपके टीम पर मान लो जब आप खेला करते तो देख कुछ तो मिला करता, जीते कोई तो इनाम मिला, तो के मिला करता? देखो, मेरे को सबसे बड़ा इनाम मिला लोगों का प्यार, इस मोखरा गांव का प्यार, इसने इतना सम्मान दिया, मेरे लिए सबसे बड़ी बात वो थी। बाकी प्रोत्साहन के लिए उस टाइम पूरे हरियाणा में यही वो था कि भी बर्तन, घड़ी, बाद में फिर सूटकेस भी आ गए थे, यही इनाम था। बेस्ट रेडर वाली बोली पलन जी, बेस्ट रेडर वाली बात जब भी होया करती भाई, कोई एक बेस्ट छाटा जागा? बहुत वारी हुई जो थी पाछा हुई थी, बहुत वारी। बोली पलवान बेस्ट रेडर आया कितने? आए तो पलवान जी के मतलब कुछ तो घड़ी बाल्टी चम्मच कम तो दिया होगा, तो के जीत के लिए दुवार गाड़ आए दुवार गड़ी। हाँ तो पलवान जी वो बेस्ट रेडर किता है दे खरे यार केस है आवल गड्डी गड्डी। पलवान जी आप भी किसी कैचर दे ड्रया कर दे, कोई सा कैचर था जिस तक डर लग गया था भाई यो कैच मार देगा? मैं कैचर तो डरिया नहीं था, मैं तो नूका था कुआंडी हो उगल सुहा था, अब उधर गल नहीं आया पान सुहा बड़े सरिया था वो उछाला था बिंदा था उड़ा गा रहे हो फिर भी कोई सा स्टॉपर तो रहा होगा जिसने भाई रेड मार दिया ना देख परेशान कराया नू लग गया था भाई परेशान करेगा लग गया था जो झगड़ लग गया था
टोली वाले बताए दीदी मेरे को जो गर्म हो दे बहू में यो झगड़ है जो जानदार है यो खैच मार के पटाम बढ़ेगा एक बार बताने के बाद और कुछ कर जाए तब वो नहीं कर देता मैं। शमशेर पहलवान जी क्या उस टाइम पे फिक्सिंग के लिए जगह थी कबड्डी में? नहीं, फिक्सिंग तो तब हो ना जब पैसा हो, पैसा था नहीं, लोग अपने शौक के लिए खेलते थे, कोई फिक्सिंग नहीं थी। पहलवान जी शमशेर पहलवान जो दोहरा सी क्या टेक्निक थी जो बहुत ज़्यादा टेक्निक हुआ लड़ाया करता छुटवाने के लिए? नहीं बस ऐसा था ज़्यादा तो यही था कि नीचे से कैच बहुत कम हुई, पहले नीचे की टेक्निक कम वार दी, पहले फाइट के कैचर ज़्यादा वार दी पहलवान जी शायद? ना नीचे के कैचर भी थे, फाइट के भी थे, हर तरह के उस टाइम भी कैचर थे, टेक्निक तो यही थी, टेक्निक कोई नई नहीं आई, टेक्निक तो वही थी जो हमारे से पहले खेलते थे वो भी वही टेक्निक थी, हम खेले वो भी और आज भी वही टेक्निक है, नीचे से पहले भी कैच होती थी आज भी, ऊपर से भी आज भी होती है। चलो जी फिर उस टाइम पर पंजाब में जाना वो दौर शुरू हो गया था आपका टाइम पर, तो आपने कि नहीं सोचा भाई मैं भी बाहर खेल लूँ क्योंकि नौकरी भी लग गए थे? देखो मेरा एक बाहर ना खेलने का कारण रहा, मैं हरियाणा पुलिस की नेशनल कबड्डी स्टाइल कबड्डी थी टीम में था, तो जो हमारे कोच साहब थे किशन जी हुड्डा वो सर्कल कबड्डी नहीं खेलने दे थे, उनका ये सोच थी कि भाई इसमें चोट लग जाएगी, अगर चोट लग जाएगी तो फिर मेरे प्लेयर कंडम हो जाएंगे, वरना उस टाइम भी हरियाणा पुलिस की जो टीम थी अगर मौका मिलता तो भी उस टाइम बहुत अच्छी थी, महीपाल था, महेंद्र खानपुरिया था, बादर था एक फतेहाबाद से, मैं था और भी कई अच्छे प्लेयर थे उस टाइम भी, लेकिन कोच साहब की वजह से वो सर्कल नहीं खेलने दे थे, इसलिए वहाँ भी प्रैक्टिस का मौका नहीं मिला और बाहर भी नहीं खेल सके। अच्छा पहलवान जी उस टाइम पे एक मैच होने लग गया था बाद में हरियाणा वर्सेज हरियाणा पुलिस, वो खेले? नहीं वो मेरे से बाद में, बाद में आया आपके? हाँ हमारे से बाद में आया। पहलवान जी ऐसी कोई चीज़ मन में आज रहेगी जो कबड्डी में नहीं कर पाए, मतलब आज ऐसा लग गया यार ये चीज़ रहेगी, कुछ मिस करते हो? देखो मिस तो जो भी प्लेयर है पहले भी मेरे से हुए, मेरे टाइम भी हुए और जो आज भी है, उनका मन तो भरता ही नहीं, हर आदमी ये सोचता है कि भाई मैं खेलता ही रहूँ, लेकिन मैं जो कर पाया जितना भी मैं उससे संतुष्ट हूँ। पहलवान जी कौन सा ऐसा टूर्नामेंट या कोई मैच जहाँ अपना मोखरी टीम खेलने गई रहे आपने वो दिन आज भी याद हो, उस दिन कुछ निराला है वो? देखो वैसे तो जो भी मैच होते थे जहाँ भी मैच हुए किसी के भी हुए सभी मैच यादगार और अच्छे होते हैं, लेकिन मेरा जो याददाश्त है वो एक पौड़ी गांव है जींद में, उसमें होया था हमारा और इक्कीस का, उसमें मुझे तो गिनती नहीं लेकिन जो देखने वाले बता रहे थे कि शायद सबसे ज़्यादा रेड मैंने उस मैच में मारे। अच्छा पहलवान जी वो कई बार ये बातें उठे हैं कई पहलवानों की कि भाई बैक टू बैक रेड मारना पूरे मैच की कंटिन्यू रेड मारना, तो क्या पहलवान जी वो आप कर पाया करते या आप मारा करते मोखरा गांव के लिए? हाँ उस टाइम मैं भी मारता था और भी कई प्लेयर थे जो पाबंदी थी नहीं कोई कितनी रेड मारो, हाँ तो कई प्लेयर थे, इक्कीस था हरपाल, हरपाल था इक्कीस गांव का, वो भी जितनी बार मारी फाइट हुई कंटिन्यू रेड मारा था और मैं भी ज़्यादातर कंटिन्यू रेड मारू था, क्यों जो दूसरे थे ना मेरे साथ वो पहलवान तो थे लेकिन कबड्डी में वो सिर्फ शौक के लिए अपने गांव के लिए खेलते थे, लेकिन वो थे असलियत में पहलवान तो वो बीच बीच में मेरा साथ देते रहते। पहलवान जी मान लो कंटिन्यू इतनी रेड मारना तो दम तो बहुत ज़रूरी है, बस दम से ही है, तो दम था तो आप इतनी रेड मार दिया करते, तो पहलवान जी के फॉर्मूला था के खाया करते जिससे भाई ताकत और दम एक साथ बना रहा करता? सिंपल खाना था, घी दूध, मैं तो चलो सर्विस करूँ था, तनख्वाह भी मिले थी,
फ्रूट भी खा लें थे, बादाम भी पीवे थे, जूस भी पी लें थे, लेकिन ज़्यादातर अपने जो घी दूध और फ्रूट यही प्लेयर खाते थे उस टाइम। अब जो ये खाने पीने वाली चीज़ें आ रही हैं ये नहीं थी उस टाइम। अच्छा पहलवान जी, कुछ था जुगाड़ दम बनाने के लिए, कोई शॉर्टकट भी था उस टाइम पर? मेहनत थी और कोई शॉर्टकट नहीं था। बोली पहलवान, था कोई शॉर्टकट आज के दौरान? आपने बताया आप कितने गए उड़े, आपने सुए पड़े देखे स्त्री आई कोई बात, तो क्या उस टाइम पे भी कोई शॉर्टकट था या आपने यूज करे? हमने कोई यूज नहीं करे, मास्टर बहू ने चिकना पदार्थ लाए जो खेलिया था, हमने कोई यूज नहीं करे। जब या तेल ला लेंदे या और के में ला लेंदे, बस यो यूज। पहलवान आपने भी लगाया चिकना, जैसे बोली पहलवान ने कोई जकरा कराया, तो आप भी कोई शॉर्टकट रखा दे छूट जाऊँ इस तरीके से? ना, ऐसा कभी सोचा भी नहीं और लगाया भी नहीं। और चेक करते थे उस टाइम, जब भी चिकना चेक करा कर दे बला रहा है। हाँ, तो सरसों का तेल भी अलाउड नहीं था। चोट पेट लग जाती तो पहलवान जी कोई गोली दवाई किस तरह की लिया करते? परमात्मा की उसे चोट लगी नहीं कभी, फिट रहे। हाँ बोली पहलवान, बॉडी फिट रही चोट कबड्डी या कुश्ती में? कोई चोट नहीं कती फिट। पहलवान जी लास्ट कब तक खेले? मैं खेलिया सर्कल कबड्डी खेलिया 1995 तक और अपने डिपार्टमेंट में खेला 2001 तक। अच्छा पहलवान जी, सर्कल कबड्डी इतनी जल्दी छोड़ दी आपने, तो के कारण रहा? कारण तो कोई नहीं रहा, बस तब तक शौक था, शरीर में ताकत थी, खेलते रहे। उसके बाद फिर छोड़ दिया तो छोड़ ही दिया। फिर दोबारा कदे नहीं गए? ना, दोबारा नहीं खेला सर्कल कबड्डी। बोला जी आज देखो, आज भी कोई रेडर या मतलब किसी की रेड देखो, क्योंकि आप एक रेडर थे तो आज भी रेड देख कर तो कुछ तो लगता होगा भाई इस लड़के में दम है, तो कोई नाम है? रिंकू खरेटी। बोला जी उसमें आपने क्या क्वालिटी लगी? उसमें क्वालिटी लगी जो उस टाइम मैं अपने आप को मानता था ना, उससे भी ज़्यादा उस लड़के में। अपनी छवि उसमें दिखा है कि है इसमें दम लड़के में? हाँ, बहुत सेफ और सिंपल, बगैर किसी के चोट मारे खेलता है। आप आए, आपके बाद फिर ये अपने कालर हो गए थे, बिल्लू पहलवान ने यह टीम चलाई रखी, कालर गंदू ने सुअर ने टीम चलाई रखी, उसके बाद मोखरे की टीम ख़त्म होगी और इतना बड़ा नाम बोली पहलवान जी मोखरा, और मतलब बालक भी टीम बढ़ते ना तो लोग आगे 9000, क्योंकि दर्शकों ने तो ना बेरा ना उन गामा में कबड्डी एकदम हुई मोखरे की टीम, दोनों बहुत तगड़ी टीम आओगी, लेकिन टीम नहीं रही थी। इब दोबारा था अपने इन बालक ने विक्कीर ने ला कर, रोहित ने इनने रवीर ने ला कर दोबारा एक टीम खड़ी करी। और पहलवान जी मैं आपको बताना चाहूँगा, आप कबड्डी से जुड़े भी रहो, लगभग सेमी खेले हैं, फाइनल भी खेले हैं, दो तीन जगह से बेस्ट पहला इनाम भी जीत के लाए हैं, तो अब कैसा महसूस हो रहा है? जिस टाइम मैं खेलता था, मेरे बाद भी मोखरे गांव के एक बार बहुत अच्छी टीम हुई, जिस टाइम ये जो आपने बताए काला था, बिल्लू था, सुदेशक के नाम उस नेसू था, कंदू था, कई बड़े अच्छे प्लेयर थे उस टाइम भी, टीम बड़ी अच्छी हुई। और उसके बाद फिर बीच में कुछ गैप आया, लेकिन अब फिर लड़के अच्छी मेहनत कर रहे हैं। तो बताते ना मज़ा पहलवान जी हमारे गांव की टीम। हाँ देखो, गौरव महसूस होता है जहाँ भी ये हो कि भाई ये मेरे गांव की टीम है, बड़ा अच्छा महसूस होता है और गौरव भी होता है भाई मेरे गांव की टीम है। तो पहलवान जी बोली पहलवान जी आप भी सुनियो, मैं एक सुनील पहलवान जी आप भी सुनिए हूँ, इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं आप सब भाइयों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँ, आप सारे सर्वगुण संपन्न हो, पहलवान जी भी नौकरी लाग रहे, आप भी पहलवान जी भी ठीक ठाक सारा काम बन बेरा है, और भी जितने आपके साथी हैं खेड़ू पहलवान हैं जितने हैं सारे फिट हैं, चड्डा पहलवान भी तैयार है, तो ईब आप मौका है, ऑफ सीजन है, मोखरे की टीम का थोड़ा सा सपोर्ट करो, और देखो दोबारा मोखरा का नाम अगर सुनना चाहते हो तो मौका है जी। बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे, मेरा थोड़ा टाइम बच रहा है अभी, उसके बाद मैं जो गांव ने मेरे को इतना प्यार और सम्मान दिया उसके बदले मैं भी चाहता हूं कि मैं भी गांव को कुछ दूं। जिम्मेवारी भी बने पहलवान जी। हाँ, मेरी जिम्मेवारी भी बनती है कि भई ये जब ये प्लेयर हैं इनको कुछ
जितना संभव हो सके, जितना मैं सिखा सकूँ कोशिश करूँगा। और मैं चाहूँगा कि भी मेरे गांव की टीम बहुत अच्छी एक बार फिर सुर्खियों में आए, और थोड़ी सी फाइनेंशियली भी मदद अगर होती रहे वही, क्योंकि इनको किराया भाड़ा ना मिलता, बहुत कम मिला है, कमेटियाँ देती नहीं, रोज़ जो खर्चे लग गए हैं वो थोड़ा सा फ़र्क है पलवन जी, थोड़ा सा हम सब मिलकर इनकी फाइनेंशियली मदद करें ना तो इनका जज्बा थोड़ा टाइट हो जाएगा। देखो मेरा अपना ज़िंदगी का तजुर्बा रहा, करने वाला हो उसको मिलने के लिए घाटा नहीं रहता, वो तो इन बच्चों के ऊपर निर्भर करता है। मेरा इतना अपना इतना बड़ा गांव है, इसमें इतने बड़े बड़े धनी लोग भी हैं, अगर बच्चे में किसी में हुनर दिखा ना तो अपना आप मदद करेंगे, मैं भी मदद करूंगा, अपने जो मेरे साथी हैं, ये अनिल पहलवान है, जोगिंदर है, चड्ढा खेड़ू है, एक हमारे साथी और होते थे कबड्डी के, ये फुटबॉल के प्लेयर, और भी गांव से सरपंचों से जिससे भी सहयोग होगा कोशिश करेंगे। जैसे बोली पहलवान जी, हर बात अपनी तारीफ शमशेर पहलवान तो नहीं कर पाओगे, आपने शमशेर पहलवान में ऐसी क्या क्वालिटी लगाया करते जिसको आप सुपर माना करते या आज भी मानो? ये बता दी बहू ऐसी रेड मारी दी ऐसा ठाले ज्यादा मन दो जो अन्य भी नहीं देखा, मैं जी सा डरदा, मैं जी देखा था बहू हम जगता ने ले गए नाटे दे, यह ऐसी कला जी कला किसी ने दिखाई ही नहीं। पहलवान जी किसी स्वभाव के इंसान रहे हैं शमशेर पहलवान जी, खेल के दौरान भी इतने शुद्ध है तो कोई ना माई जामना बंद करके, बिल्कुल कदे लड़ाई झगड़ा पहलवान जी कदे नंबर आप नहीं लड़े ना, मेरा नंबर है ना। देखो हमेशा ये कोशिश रही, जो गांव में झगड़ा हुआ ना उस टाइम भी हमने कोशिश करी कि वो इस पॉइंट को आप कैंसिल कर दो, किसी का ना दो, ना उनका दो, ना मारे मारा दो, अगर ताकत है तो फिर ले लेंगे। मेरी आज भी सभी जो दर्शक भाई हैं सभी से, और जो प्लेयर है, जो अच्छा प्लेयर है वो पॉइंट के लिए कभी झगड़ा नहीं करता, और जो एक एक पॉइंट पर मैं देखता हूँ कई बार मैच, एक एक पॉइंट पर इतना तनाव बना दे हैं, आधा आधा घंटा मैच को रोक देते हैं, मैं उसको नहीं मानता, ठीक उसमें दर्शकों की भावना को भी ठेस पहुँचा है। हाँ, उस पॉइंट को कैंसिल करो, दोबारा फिर मौका दो, कौन सा कुंभ का मेला है जिसमें ताकत होगी फिर ले लेगा पॉइंट, बिल्कुल सौ की सौ बात, ये मेरी अपनी सोच है। तो पहलवान जी स्टेमिना बनाने के लिए, ताकत बनाने के लिए कितनी प्रैक्टिस, कितनी मेहनत, किस तरह से मेहनत करा करते हैं, ये दर्शकों को जो नए बालक सुनेंगे प्रॉपर बताइयो। देखो मेहनत का जो जिस अखाड़े में बैठा हूँ, हमारे संचालक हैं गुरु माड़िया पहलवान जी, इन्होंने मैंने यहाँ भी जोर करे, ये खाड़ा उस टाइम गांव में था अंदर, उनकी ये शिक्षा थी, कोई भी प्लेयर किसी मैच का हो जिस टाइम वो थक जाता है, थकने के बाद वो जितनी मेहनत करेगा ना वो उसका दम है, वो उसकी सही ताकत है। मेरा सभी जो नए लड़के आज खेलने वाले हैं उनसे ये सलाह है कि भी जब वो पूरी ताकत मेहनत करके थक जाते हैं उसके बाद जो वो मेहनत करेगा वो उसकी का असली दम है, वो उसकी ताकत है। और जान बनाने ये शॉर्टकट नहीं है, इसमें मेहनत ही करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, अगर जी जान से जिसने आज भी मैच खेलना है, अगर लगातार, अब तो कई जगह तो मैं देखता हूँ लगातार रेड करने दें हैं, कई जगह बैन लगा दें भाई, एक रेड छोड़ के एक होगी जी जी लगभग, हाँ तो जिसने अच्छा जो ज़्यादा मेहनत करेगा ना वो अलग से ही नहीं करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। शॉर्टकट तो कुछ टाइम के लिए ये तो मैं मान लेता हूँ, एक सीजन खेल जाए, एक दो मैच खेल जाए, लेकिन जिसने लगातार खेलना है उसने मेहनत तो करनी पड़ेगी। अच्छा पहलवान जी जो इस इंटरव्यू में सुनेंगे वो देखेंगे, आपके साथी भी देखेंगे, जो उस टाइम पर आपके साथ खेले बाहर गाँव आ गए, जिन तक आज कई कई साल हो गए होंगे मुलाकात देखे भी नहीं होंगे, तो उन भाइयों को या जो दर्शक हैं उनको क्या कहना चाहोगे? भाई मैं तो सभी को यही कहना चाहूँगा, मैं और आप जो मेरे साथी रहे, देखो बड़ा लंबा टाइम हो गया, कुछ फिर अभी कॉल आ गई, मैं ड्यूटी से आ रहा था मलिक साहब की, पवन मलिक जी की, कि आप आ जाओ, मैं भी आ रहा हूँ भाई। मैं बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हुए जिनका मैं नाम नहीं ले सका,
मुझे ध्यान नहीं तो वो कृपा महसूस ना करना, और अपने समाज को, अपने हरियाणा को, अपने गाँव को, अपने डिस्ट्रिक्ट को कोशिश करो कि जितना टाइम देश को प्लेयरों के लिए, ज़रूरी नहीं कि कोई अच्छा प्लेयर बने, टॉप ही रहे, लेकिन जवान तो कम से कम अच्छा बन जाए और बुरी संगत से बचे और बुरी संगत से बचता रहे। और मैं एक और बता दूं, जो यू पहलवान है ये इतना कमज़ोर नहीं था जो जी साहिब दिखाई दे रहा है। रोटी कम खाए ना ना हाँ ये तो टाइम के मुताबिक शुगर ज़्यादा होगी ना, तो बहुत अच्छा पहलवान होया अपने टाइम में। कदे कोई ये दर्शक न मान जा अग भाई जो इतनी इसकी बढ़ाई कर दी अपने, बिल्कुल नहीं पहलवान की तो शुगर ज़्यादा होगी थी उस करके कमज़ोर हो गया, लेकिन शौक मैं तो इन की हिम्मत को मानता हूँ कि भाई सुबह शाम दोनों टाइम अपने घर का सब काम छोड़ गए यहाँ बच्चों की मेहनत और वो भी निःशुल्क बगैर किसी लोभ लालच के, एक रुपया भी किसी से नहीं लिया जाता बगैर किसी स्वार्थ के, एक नया पैसा किसी से नहीं, अपने पास से जैसे बाहर गए किसी को देना ही है, किसी का किराया देना है, किसी को वैसे प्रोत्साहन के लिए देना है। पहलवान जी तो मतलब क्या इनकम का स्रोत है आज, बोली पहलवान के काम कर रहे हैं? कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। पहलवान जी सेहत जैसे भाई शमशेर पहलवान जी ने कही थोड़ी डाउन होगी तो शुगर ही कारण है? शुगर कारण है, दो साल रहेगी बिना बेरपन से पन से जान नहीं रहा, इस बीमारी का कोई लक्षण नहीं दे जान पट्टी पा कंट्रोल है जी। अरे तो बाद मेडल लेके आओ हो मुखर में, रोज बच्चों के गलों में गोल्ड मेडल, बड़े बड़े मेडल लेके आओ हो, तो क्या तैयारी है भविष्य की? बहुत बढ़िया गई तैयारी है, ये दो तीन नेशनल हो रही है, भी न फेरा होगा नेशनल अंडर 50 का और 20 आड़ियाँ का, जो हर फेर इसकी भी तैयारी चल रही है, बच्चे फेर जाएंगे मेडल। तो उस दिन जो आपने कही थी वीडियो में भाई कति बरहा टोकरा दिखावा है मेडला का, तो वो दिन जल्दी नज़दीक है? नज़दीक है, दो साल लग जाएंगे, बदवादा है, पौना है, पूरा भरा भी है कसर नहीं छोड़ी तो शमशेर पहलवान जी स्पेशल आप आए, ड्यूटी से थके हारे घर नहीं गए, सीधे खाड़े में आए आके इंटरव्यू दिया, और जो भी आपके उस टाइम तक की जो बातें थी वो अभिमन्यु मूवीज पर साझा करी, सबसे पहले तो मैं आपका तय दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा अभिमन्यु मूवीज के साथ जुड़ने के लिए। पवन मलिक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा इंटरव्यू लिया, और ये तो टाइम बीत गया, शादी होगी, बच्चे हो गए, गृहस्थी में चले गए, वरना ड्यूटी से आते ही पहला जो घर था वो हमारा अखाड़ा ही होता था, सीधे अखाड़ा मारते थे यहीं प्रैक्टिस करते थे, इसके बाद शाम में नहा धोके फिर घर जाते थे जी। तो बोली पहलवान जी आपका भी बीच में एक बाड़क का चोट लग गई थी, उसमें थोड़े बिजी हो गए, सारी बात नहीं कर पाए, एक स्पेशल इंटरव्यू एक दिन फिर बोली पहलवान जी का करांगे, तो पहलवान जी आपका भी तय दिल से धन्यवाद स्पेशल समय देने के लिए। कभी आ जाना यही मिलेंगे खाड़े में तो एक राम राम अभिमन्यु मूवीज के दर्शकों को जाते जाते सब भाई राम राम मेरी तरफ से भाई। पहलवान जी आप भी ठोको एक राम राम सभी को, राम राम जितने दर्शक भाई हैं। और भाई जैसे बोली पहलवान जी शमशेर पहलवान जी मेरे गांव से हैं, मैंने बताया मोखरा गांव एक खेल का हब है, खेल नर्सरी के नाम से मोखरा गांव को जाना जाता है, तो भाई मैं अपने पूरे गांव की तरफ से, मोखरा गांव का शिव शंकर अखाड़े की तरफ से, मड़िया पहलवान की तरफ से सबको हाथ जोड़ कर राम राम करूँ, और भाई सभी से यही निवेदन कर रहे हैं कि भाई खेलों के साथ जुड़े रहो, नए नए गेम, नए नए बच्चे, उनको प्रोत्साहन दो, उनको उनके गेम को निखारो और बुराइयों से बचाओ। तो थैंक यू वेरी मच पहलवान जी एक बार और राम राम, और सभी भाइयों को भाई पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद, जय हिंद।